नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आरंभिक नगर। सबसे पहले देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सोएब तथा उसके माता पिता के पलामू भ्रमण की बात करेंगे, सोएब के मन में उठ रहे प्रश्नों की बात करेंगे, हम हड़प्पा सभ्यता की कहानी पढ़ेंगे तथा हड़प्पा नगर की प्रमुख विशेषताओं की आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एक बार सोएब अपने माता पिता के साथ घूमने गया। इस भ्रमण के लिए वह पहले से ही बहुत उत्सुक था। वह बेतला नेशनल पार्क के पास ही पलामू किला घूमने गया। वहां उसने कुछ पुराने तथा कुछ नए किले देखे। उसे नए किले में तीन गुंबदों वाली एक मस्जिद दिखाई दी, जिससे उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह यह सोच रहा था कि यह तो पुराना खंडहर है, फिर भी इसे क्यों संरक्षित किया जा रहा है, क्यों इसके बदले किसी नई इमारत को नहीं बनाया जा रहा। लोग इन पुराने खंडहरों के प्रति इतने आकर्षित क्यों रहते हैं? आइए सोएब के मन में उठ रहे इन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानने के लिए जो अवशेष मिलते हैं वे खंडहरों या इन पुरानी इमारतों में भी होते हैं। ये हमें अतीत के बारे में बताने का एक बहुत अच्छा माध्यम होते हैं, इसलिए इन्हें हम राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करते हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन मानव सभ्यताओं के अवशेष हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई करने से प्राप्त हुए, तो आइए इनके बारे में भी जानने की कोशिश करें। बच्चों, ये है हड़प्पा, जो प्राचीन सभ्यताओं में एक प्रमुख सभ्यता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की तथा मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। ये दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा नगर सबसे पुराने नगरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां की ईंटों से आज भी नए घरों का निर्माण किया जा सकता है। इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। पश्चिमी भाग छोटा तथा ऊंचाई पर बना था, जबकि पूर्वी भाग निचले इलाके में था। पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहता था, इसे नगर दुर्ग कहा जाता था, जबकि पूर्वी हिस्सा सामान्य लोगों के लिए रहने के लिए था, इसे निचला नगर कहा जाता था। दोनों भागों की चार दीवारी पक्की ईंटों से की गई थी। ये ईंटें आज की ईंटों की तुलना में बड़ी तथा ज्यादा अच्छी है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन भी काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। इससे यह पता चलता है कि उस वक्त के लोग भवन बनाना भी जानते थे। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल है वृहद स्नानागार। इसको बनाने में पक्की ईंटों तथा सूखे चूने का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर लोग तब स्नान करते थे जब उन्हें कोई धार्मिक अनुष्ठान करना होता था। इस स्नानागार के चारों तरफ बरामदे तथा पीछे छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे। तल तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार या फिर भंडारण कक्ष बने होते थे। इनमें संभवतः जनता से वसूला गया अनाज रखा जाता था। ये अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन हुआ करते थे, जिनके रखरखाव के लिए राज्य के पदाधिकारियों की व्यवस्था भी की गई थी। कालीबंगा में
एक कुएं के पास सात आयताकार वेदियां एक साथ मिली हैं। इससे पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में भी विश्वास रखते थे। वहीं लोथल में बर्तन के टुकड़े पर एक सांप की आकृति भी मिली है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि वे लोग भगवान नागराज की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यताओं को एक विकसित सभ्यता के रूप में देखा जाता है। उसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि वहां की इमारतें दो या तीन मंजिले तक की होती थी, अर्थात उस वक्त भवन निर्माण कौशल भी लोगों के अंदर था। सभी घरों के दरवाजे आंगन की तरफ ही खुलते थे। सभी घरों में सार्वजनिक नालियां बनी थी ताकि शहर का पानी मोहल्ले से बाहर निकाला जा सके। शहरों में सफाई की उचित व्यवस्था की गई थी। हर शहर में पक्की सड़कें होती थी जिनमें चौराहा भी हुआ करता था। चलिए अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सोएब तथा उसके माता पिता की पलामू की सैर से इस अध्याय की शुरुआत की। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की कहानी के साथ उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हड़प्पा का नगरी जीवन तथा वहां की अनूठी शिल्पकारी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही विश्व की अन्य सभ्यताओं की भी हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।